खरगोन जिले के सेगावां पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे ने बताया कि आने वाले त्योहारों में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना है, साथ ही कोरोना महामारी को लेकर सजग और सतर्क रहना है। खासकर नवरात्रि पर्व पर विशेष ध्यान रखते हुए हमें आपसी सद्भावना और भाईचारे के अनुसार ही मनाना है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार जागृति जाट, चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्या और उप सरपंच हरिओम यादव और सदस्य मौजूद थे। बैठक में चौकी प्रभारी श्री अवस्या ने बताया कि माता की मूर्ति 6 फीट की रहे और पांडाल भी 10x10 का हो, चल समारोह न निकले और शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन अवश्य करते हुए सभी समिति वाले पंडाल की सूची भी हमें उपलब्ध कराएं। से गाँव से संजय जैसल की रिपोर्ट। निर्देश किस प्रकार का दिए है, हमें कोशिश करना है कि हम लोग उसको पूरे से पूरे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, अपने गरबा पंडाल में सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंस इन चीजों का, नवरात्रि उत्सव मनाना है, ठीक है, ठीक है। अपना पंडाल जो शासन ने गाइडलाइन दी है उसकी 10x10 का, वैसे अमूमन इससे बड़ा तो अपन बनाते भी नहीं है, वैसे भी नहीं बनाते हैं, 10x10 का बन जाएगा पंडाल अपना, अपन इसकी सैनिटाइजर की बॉटल रख दो, ठीक है, भक्त लोग जो भी आते जाते रहेंगे वो लोग उसका पालन करेंगे, मास्क लगा के आए, ठीक है। तो हम अपना त्योहार भी मनाए और इस कोरोना महामारी से भी हम संक्रमित ना हो और बच सके, सावधानियां रखें और अपना पर्व मनाएं और जो भी शासन के निर्देश मिलते हैं अपने को उस अनुसार पालन करते हुए काम करना है, ठीक है। ग्रुप से कोई वो क्या बोलना चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, यदि कुछ है तो उसकी परमिशन बकायदा लेना पड़ेगी आपको। रात को भी ज्यादा चहल पहल जो है 10 बजे के बाद, 10 से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल चहल पहल नहीं होना चाहिए ज्यादा फिजूल का, है ना। दुकानों का भी ये है कि 8 बजे तक जो है सारी दुकानें बंद हो जाएगी और 10 बजे 8 के बाद तक जो है केमिस्ट मतलब मेडिकल दुकानें और भोजनालय ऐसे जो जरूरी दुकानें हैं वही चालू रहेगी। ये कोरोना को देखते हुए कर रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि अपनी जो रैली है दशहरे वाली भी वो भी सारे अपने को पोस्टपोन करनी पड़ेगी, चल समारोह तो बिल्कुल मना ही कर दिए, और यदि ऐसा कुछ बाद में निर्देश ऐसे कुछ आते हैं तो आपको बता देंगे। मोहल्ले में हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।